क्यों हिला डाला ना? अरे भैया तू क्या देख लियो? साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। समझ रहे हो? समझ रहे हो? So what's up guys, कैसे आप लोग हैं? अब क्या आप सब लोग ओपी हो गए? मेरे को बताएं, आप लोग हर वक्त ओवर पावर रहते हो और खतरनाक गेम खेले करते हो, मेरे को पता है यार भाई लोग, और वीडियोस देखकर लाइक भी नहीं करते हो, मेरे को पता है आप लोग ऐसे ही करते हो। तो भाई लोग यार आज के हम रैंक पोस्ट कर रहे थे और रैंक में कौन आया था आपको पता है? KTM फ्री फायर। भाई लोग यार हमारे गेम में यहाँ पर KTM फ्री फायर आया था, जिसको नहीं पता भाई लोग यार आप लोगों को बोल लूँ KTM फ्री फायर कौन है। KTM फ्री फायर यार नेशन गेमर है, नेशनल गेमर यार आप लोग नहीं जानते कि यार 1 मिलियन उसके सब्सक्राइबर है, 1 मिलियन सब्सक्राइबर है KTM फ्री फायर नेशनल गेमर है KTM फ्री फायर। तो उसकी UID का नाम है और उसके ऊपर वी मार्क भी पड़ा लगा हुआ था, तो मेरे को लगा कि ये वही है। तो भाई लोग यार हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की लेकिन लेट की यार, मतलब लैंडिंग की और एकदम लूट की, वैसे ओपी वाले भी नहीं लूट की यार, पता नहीं क्यों ऐसी लूट की। तो भाई लोग यार हम जैसे ही लॉबी में आए और वहाँ पर हमको दिखा यार सेकंड इलाइट पास का बंडल देखते हो तो कौन होता यार KTM फ्री फायर, मतलब टॉप वन पे था बंदा, क्या ही जहर वाला बंदा था यार। तो भाई लोग यार वो टॉप वन पर था और हम नहीं थे यार, बोर्ड पे आए ही नहीं थे, पता नहीं क्यों नहीं आए थे, क्योंकि वो यूट्यूबर है यार, इतना बड़ा था, उसके बेजेस ज़्यादा ही होंगे ना भाई साहब। तो वो बोर्ड पे था तो हमने बोला हमारी टीम को, भाई लोग यार कुछ भी करके ये वाली मैच बुआ करना है और हो सके तो KTM फ्री फायर को हम ही हमारी टीम को ही मारना है। तो भाई लोग यार क्या होता है आगे देखते हैं। वैसे हम KTM फ्री फायर को यार ऐसे हल्के में नहीं ले सकते थे, इस वजह से हम एकदम ओपी वाली लूट लेना चाहते थे, लेकिन हमारे पास तो लूट ही नहीं थी यार, मतलब मेरे पास तो वेस्ट भी नहीं था, एकदम गोलियां भी ख़त्म हुई थी और हमारी टीम पता नहीं किधर किधर घूम रही थी, कोई यहाँ पर बॉम्बे में था तो कोई दिल्ली में था, चल झूठा पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे थे यार, सिर्फ हम राहुल भाई के साथ साथ में थे। यहाँ पर राहुल भाई के पास भी एकदम ओपी वाली लूट तो नहीं थी, मेरे पास भी नहीं थी, तो हम लूट रहे थे यार, मतलब पहले तो लूट अच्छी होनी चाहिए ना, तो हमने एकदम लूट ओपी कर ली। वैसे तो लूट ही नहीं थी यार हमारे पास, हम यहाँ पर क्लॉक टावर पर भी आए थे लेकिन क्लॉक टावर पर भी बंदे भी नहीं दिखे और पता नहीं सब बंदे किधर गायब हो गए थे यार, दिख ही भी नहीं रहे थे यहाँ पर। हमने सभी जगह पर देख लिया लेकिन कोई भी बंदा नहीं मिल रहा था, हमें लगा कि सब लोग सर्वाइव करके खेल रहे हैं। फिर हम जोन वाले एरिया में देखने गए तो वहाँ पर मुझे एक बंदा दिखा, मतलब यार इतने सारे घंटे के बाद टॉप 14 में आने के बाद यहाँ पर मेरे को एक बंदा दिखा यार, लेकिन उसको भी मैं मार नहीं सका, पर मेरा मोबाइल थोड़ा सा लेग हो रहा था यार और उसके ऊपर एम ही नहीं जा रहा था, मतलब यहाँ पर मेरी ओग बहुत रिकॉइल कर रही थी यार, यूजी बहुत रिकॉइल खा रही थी, उसके ऊपर एम भी नहीं जा रहा था, मतलब एम जा रहा था लेकिन गोलियाँ नहीं लग रही थी। अरे कहना क्या चाहते हो? तो मैंने सोचा मैं उसको यहाँ से पकड़ूंगा लेकिन यहाँ पर देखता हूँ तो वो बंदा यहाँ पर मेरे को मिलता ही नहीं, लगता है जोन में एलिमिनेट हो चुका था या फिर नहीं हो चुका था, पता नहीं किधर गायब हो गया था यार। मैंने उसको बोल ढूंढा और उसी टाइम यार यहाँ पर राहुल भाई को ऊपर से एनिमी ने पकड़ लिया यार, उसको बहुत ऊपर से फैला, मतलब इतना ठोका मर ही जाता है, लेकिन मेरे को पता था कि वो अपने आप को कवर कर लेंगे यार, मतलब वो ऐसे वैसे प्लेयर नहीं, वो एकदम पीरो प्लेयर है, अकेले ही पूरी स्क्वाड को ख़त्म कर देते हैं। आर यू कॉमेडी मी? तो वो एक दो बंदे को तो यार ऐसे ही ठोक देंगे यार, तो हमने सोचा कि रहने दो, उसके लिए बैकअप नहीं जानते, हर वक्त हम क्यों जाए यार। यहाँ पर हमारी टीम में यार दो दो राहुल थे तो मैं दोनों राहुल में कॉन्फ्यूज हो रहा था, कौन सा वाला कौन सा राहुल है, कि दूसरा वाले को मैं कौन सा पहचानता हूँ यार। अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब। यहाँ पर हमारे में RP राहुल और जीजे बाविस राहुल दोनों थे, तो यहाँ पर मेरा फ्रेंड था जीजे बाविस राहुल, लेकिन यहाँ पर RP राहुल कौन था, वो शायद से जीजे बाविस राहुल का फ्रेंड था यार, पता नहीं कौन कौन था। तो भाई लोग यार यहाँ पर हम बीमा शक्ति के गांव से होकर सीधा ऊपर चिमनी के पास जा रहे थे यार, वो चिमनी है ना बहुत बड़ा पावर प्लांट है यार, बोले तो पावर प्लांट, तो पावर प्लांट की तरफ जा रहे थे क्योंकि दो प्लेयर उधर थे पावर प्लांट के पास और हम दोनों नुबड़े यहाँ पर नीचे इस गाँव में थे यार, मतलब पता नहीं क्यों गाँव में थे। तभी मेरे को यहाँ पर बम्बू वाले घर में एक बंदा दिखता यार, मैं उसका किल लेना चाहता था क्योंकि मेरे को किल लेना था यार, मतलब हीरोइक पे था और ऐसे ही थोड़ी ना किल छोड़कर जा सकता हूँ यार, मतलब थोड़ी तो बढ़ना चाहिए यार ना, मतलब अभी तक तो हमको KTM फ्री फायर तो नहीं मिला था लेकिन वो बंदा मिला था तो हमने उसको उड़ा लिया भाई।
यहाँ पर हमारा किल कंफर्म हो चुका था, लेकिन यहाँ पर दूसरी पार्टी ने यहाँ पर हमारी टीम के ऊपर हमला कर दिया था। यहाँ पर मैंने उसको बहुत डैमेज दिया यार। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। और वैसे तो हम एकदम ओपी वाला रिवर कर देते यार सभी को, मतलब वो लोग एकदम हील कर रहे थे, तभी तो हम जाकर सबको रिवाइव कर दिए और पार्टी बदल लिया भाई। अरे ग्लू वॉल क्यों डालते हो भाई साहब? और भाई लोग यार यहाँ पर मेरे साथ ही होता है, मतलब डैमेज तो मैं देता हूँ लेकिन किल दूसरा उठा के ले जाता है, ऐसा क्यों करते हो यार? देखना अभी यहाँ पर डैमेज मैंने ओपी वाला दिया सभी लोगों को, थोड़ा थोड़ा तो दिया है, लेकिन अब क्या करें यार, किल दूसरे लोग उठा लिए और मेरे को डैमेज ज़्यादा ठोक दिए। लेकिन भाई लोग यार यहाँ पर एकदम बहुत बढ़िया फाइट होती है यार, मतलब सभी लोगों को यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं। और फिर से एक यहाँ पर टीम हमारे ऊपर हमला करती है, यहाँ पर आप देख सकते हो यार, मतलब ठोक के चले गए सब लोग EMR गोड। और यहाँ पर इसी के साथ मुझे भी नॉक कर देते हैं और मैं फिलहाल यहाँ पर मर जाता हूँ यार, क्योंकि समझ सकते हो इतनी देर तक हम कर रहे थे स्क्रीन रिकॉर्ड, तो हमारा थोड़ा गेम डिले हो रहा था, लेग हो रहा था यार, लेग क्यों होता है भाई गेम। लेकिन यहाँ पर हमको KTM फ्री फायर ही नहीं दिखा यार, पता नहीं उसको किस नुबड़े ने मार दिया था, और हमारे गेम में नोटिफिकेशन भी नहीं आई थी यार, पता नहीं किधर गया था वो। लेकिन यहाँ पर बुया तो हम ही करने वाले थे, तो यार वो बंदा एक ही था, लेकिन हम बुया करने वाले थे तो हम कैसे छोड़ सकते थे यार उसको। यहाँ पर KTM फ्री फायर तो नहीं दिखे, लेकिन यार पीछे दूसरा नुबड़ा मामला से मर चुका था। यहाँ पर आप देख सकते हो गोड EMR यार, बहुत नूब वाला बंदा है, हमको भी मार गया EMR। तो भाई लोग यार इसी के साथ यहाँ पर मैच ख़त्म होता है, और हमको यार फ्री फायर मिला ही नहीं भाई, पता नहीं वो एलिमिनेट हो गए थे, पता नहीं उसकी नोटिफिकेशन ही नहीं आई यार, मतलब पता नहीं वो गेम छोड़कर भाग गए थे साइड से, और पता नहीं क्या कर रहे थे, किधर गए थे यार। हमको तुम्हें मारना था, हमने बुया भी किया था यार, अगर मार देते तो लास्ट में तुम ही बचते, मेरे को पता था यार। तो भाई लोग यार चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और लाइक नहीं ठोका तो प्लीज़ लाइक ठोक दो यार, भगवान की दया से सब कुछ है, सिर्फ सब्सक्राइबर नहीं है और व्यूज़ नहीं आते। प्लीज़ सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करते रहिए। जय आदिवासी।